everyone, welcome to my channel. I am Mani and you are watching Mani's show. I'm here to document a day in my life. Today is 13th of August और दिन के बज रहे हैं 12:30. मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर चुका है. मैं नहा के तैयार होने जा रही हूँ. क्यों? क्योंकि बैंगलोर में एक बहुत ही अच्छा बॉक्सिंग इवेंट होने वाला है टुडे. इट स्टार्ट्स बाई 4:30 इन द इवनिंग. सो आई एम गोइंग टू गो एंड विटनेस दैट इवेंट. मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कि एक अच्छा बॉक्सिंग कंपटीशन नहीं देखा. सो दैट्स व्हाई दैट्स द वन बिगेस्ट रीज़न टू गो देयर. एंड आल्सो आई विल बी मीटिंग अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड माय कॉलीग्स देयर जिनके साथ मैं काम कर चुका. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट. और मैं अब आपको डायरेक्ट मिलती हूँ आई गेस एट द वेन्यू. सो स्टे ट्यून्ड. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, ऑफ कोर्स यू आर न्यू, मेक श्योर यू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. काफ़ी दिन हो गए घर से बाहर प्रॉपरली निकली नहीं हूँ और बॉक्सिंग से जुड़े भी रहना है, तो इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ. थोड़ा सा मूड चेंज होगा और मज़ा भी आएगा. सो आई विल टेक यू अलोंग विद मी. मैं आपको दिखाऊंगी फाइट वगैरह और मिलते हैं अब. जस्ट फास्ट फॉरवर्ड टू 1 आवर, उसके बाद मिलते हैं. बाय. द फाइट नंबर 1 इज गोइंग टू स्टार्ट सून. Judges, boxers will come from each side और फिर start होगी fight. काफी अच्छा लग रहा है. This is the equipment table. यहाँ से सारे boxers अपने equipment लेके जाएंगे and they will get ready in the green room and then the fight starts. यहाँ से हमारा प्रोमो से निकालना है. ठीक है, निकालूंगी. सो दिस इज आवर प्रो बॉक्सर. चालू हो गया. कैसा लग रहा है इवेंट में? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस? सब कुछ नहीं, विल एक्सपेक्ट फॉर अ नाइस फाइट. ओके, नाइस इवेंट. हु डू यू थिंक इज गोना प्ले वेल? आई एम लुकिंग फॉर अ गुड प्रीत एंड सबरी. सो दे विल शो द गुड. या दे आर गुड बॉक्सर्स. आई एम आल्सो लुकिंग आउट फॉर रोहित. लेट्स सी हाउ ही डस. अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. काफ़ी अच्छा सेटअप है. इट्स अ स्मॉल प्लेस बट गुड सेटअप. एंड लुक एट द एंथुजियाज्म फ्रॉम एवरीवन. स्मॉल किड्स आर हियर. आई होप समवन गेट्स मोटिवेटेड एंड जॉइंस बॉक्सिंग. लुक एट दिस, प्रीटी गुड. हाय रोहित. हेलो. कौन से नंबर की फाइट है? सेकंड नंबर. एक्साइटेड? यस. कौन है अपोनेंट? हर्ष पुरोहित. हर्ष पुरोहित. चलो, मैं उसको जानती नहीं हूँ. आई नो यू. ही इज डूइंग शैडो बॉक्सिंग. ही इज गेटिंग रेडी फॉर हिज फाइट. सो यू हैव सीन ऑल दिस प्रिपरेशन एंड ऑल दिस इवेंट. एंड द मेन रीजन बिहाइंड द इवेंट इज दिस मैन हियर, कमाल मुश्तबा. हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड सर. एवरीवन नो डैट कि कोविड में एक ऐसा सिचुएशन था, बट ओवरऑल दिस इवेंट से बहुत सारा बॉक्सर जो है जो फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल फाइट खेल रहे हैं. एज यू नो कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग इंडिया में स्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर. सो ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा यू नो गोल है कि मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग को स्ट्रक्चर करूँ. इट विल टेक टाइम, आई अंडरस्टैंड, बट यस इट विल 100%. एंड ऑफकोर्स लॉकडाउन के बाद ये पहला इवेंट है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं भी यहाँ आई हूँ ये कवर करने के लिए. एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग दैट will do the proceedings. He will officiate the entire match, and once the match is done,
We are going to announce the winners. We have about 9 bouts today. Bout number 1, 2, 3, all the way to 9. रेडी करते कहाँ है बॉक्सर कहाँ है बॉक्सर है बोलो have a tough time declaring the winner for this one. Meanwhile, request to all the audience. Audience, thank you. Round part number 2 khatam ho chuki hai. काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इन दोनों से बट बहुत अच्छा खेल रहा है मज़ा आ रहा है ये फाइट में लुक एट दैट सुपर बहुत अच्छा गेम भी दिखा रहे हैं लोग थक गए हैं बट काफ़ी अच्छा खेल रहे थे यू ऑल कैन सी कितना शानदार खेल रहा है सो द रेड कॉर्नर इज माई फ्रेंड गुरप्रीत बहुत अच्छा खेल रहा है यार बहुत अच्छा खेल रहा है सामने वाले की बैंड बजा दी उसने लुक एट दिस चल गोरे
ठाकुर, क्या बात है, क्या बात है लड़के गुरी। तो यहाँ पे रेफरी ने जो है फाइट स्टॉप कर दिया है क्योंकि गुरी ने उसके अपोनेंट का भरता बना दिया है मार मार के, विच इज़ रियली गुड। उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेला। अंधेरा है, अंधेरा। बहुत अच्छा लगता है जब आप जो काम आपने इतने सालों तक किया उससे कनेक्टेड रहते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगेगा। काफ़ी ज़्यादा शोर है वीडियो में, बट सह लेना थोड़ा, ठीक है, सह लेना। बट बहुत अच्छी अच्छी क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारी फाइट्स और बहुत सारे बॉक्सर्स ऐसे थे जो कि जिन्होंने अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दिया। मेरे दो फ्रेंड्स खेल रहे थे और दोनों के दोनों जीत गए हैं, काफ़ी अच्छा खेले दोनों। ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रेनिंग की और ज़रूरत है सारे बॉक्सर्स को, सारे प्लेयर्स को, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अच्छे से ट्रेनिंग नहीं हो पा रही थी उन लोगों की। बट आई एम ग्लैड दैट उन लोगों को ये कॉम्पिटिशन मिला और उन्होंने इतना बढ़िया खेला। सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। आई विल एड द क्लिप्स नाउ। बाय।